आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब वीडियो को आगे, पढ़ाई को अपना आगे करते हैं, वीडियो को आगे नहीं, पढ़ाई को आगे करते हैं। एंड लेट्स सी, देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने कॉर्पोरेट, लास्ट वीडियो में मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपको मीनिंग बता दिया। कॉर्पोरेट क्या है? बिजनेस, फाइनेंस, पैसा। तो बिजनेस में लगने वाला पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको कैसी जगह से, ऐसी जगह कहाँ से लेंगे जहाँ से हमको कम से कम रिटर्न देना है, और उसको कौन सी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने दो बड़े बड़े राइटर्स के, साइंटिस्ट के, हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे। उन्होंने, हेनरी फोर्ड ने बोला था, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। और हेनली हॉगलैंड का हम उनके व्यूज देखे, जो बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस। तो ये हम लोगों ने देखा लास्ट वीडियोस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डेफिनेशन को और थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंसिंग प्लानिंग, स्टडींग ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। कितना अच्छा ना, फाइनेंशियल प्लानिंग किसका, स्टडींग ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। तो मनी मार्केट भी समझेगा, शेयर मार्केट भी समझेगा और कैपिटल मार्केट भी समझेगा। तो हम लोगों को ना ये पढ़ते पढ़ते पूरा मार्केट समझ जाने वाला है। तो कैसे कैसे टाइप के मार्केट्स रहेंगे, तीनों मार्केट्स क्या है क्या नहीं, वो सब समझेगा। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। सिर्फ हमारे इंडिया के अलग अलग मार्केट्स ही नहीं, हमको फॉरेन कैपिटल के बारे में भी उसमें समझ में आता है जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। ये तो हमको पता है स्टूडेंट्स, जब हम फॉरेन करेंसीज के बारे में बात करते हैं या हम लोग फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो मेन रोल जो प्ले होता है वो बैंक्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का होता है। उनके बिना, उनसे पैसे लिए बिना हम लोग बिजनेस चालू नहीं करते। हमको समय समय पर फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उनके पास में अलग अलग स्कीम्स होती है जो वो लोग बिजनेसमैन को देते हैं, पर्टिकुलर बिजनेसेस में देते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे, मैम ये सब फाइनेंसेस के बारे में आप बता रहे हैं, अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है? तो यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वो सजेशन देना है, वो उनको बताना है कि कौन से बैंक से आपको समझेगा, कौन से बैंक से लिया हुआ फाइनेंसेस या कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए फाइनेंसेस बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होंगे, किनके रिटर्न्स ज़्यादा है, किनके कम है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई बैंक्स के इंटरेस्ट रेट होते हैं ज़्यादा, पर वो लोग जो फैसिलिटीज देते हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स नहीं देते हैं। वो जितने कोऑपरेटिव होते हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स नहीं होते। जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो हमारे पर्टिकुलर बिजनेसेस को चाहिए होती है वो पर्टिकुलर बैंक्स में होती है। तो वो सारा सब कुछ, वो सारी चीज़ों का सजेशंस देने वाला है आपको कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट। अभी फाइनेंशियल मैनेजर को क्या क्या एंश्योर करना पड़ता है? द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, जरूरी है ना। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, करेक्ट। द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली, जो भी फंड्स उन्होंने रेज किए हैं मतलब लिए हैं जहां से, वो प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर को तो बहुत अच्छे से देखना है भाई, और वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं उस पर वॉच कौन रखने वाला है? ये अपने कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, ऐसे ही उनको फंड्स लगाने हैं कि उनके ओनर्स के लिए वो मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करें, ठीक है। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में ना स्टूडेंट्स, ये पूरा इंट्रोडक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, एकदम सिंपल जो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो दो डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंस है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ के हमको क्या दो चीज समझ में आती है? एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग कहाँ से लेना है वो डिसीजन, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो डिसीजन। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है और दोनों डिसीजंस
प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो आपकी कंपनी रिटर्न्स प्रॉपरली नहीं दे पाएगी, और ये दोनों डिसीजन में, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कंपनी सेक्रेटरीज का रोल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ही फाइनेंसिंग ऑफिसर्स का या फाइनेंसियर ऑफिसर्स का होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंपनी सेक्रेटरीज का, जो लीगली सारी चीजें देखेगा, लीगली उसको एनालाइज करेगा और लीगली सारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, चलो अब दोनों डिसीजन अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेंसिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। फाइनेंसिंग से तो समझ में आ रहा है ना, कहाँ कहाँ से पैसे लेना है, करेक्ट? सो द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। यू ऑल नो एंड यू ऑल आर अवेयर कि बिजनेस फर्म को कैपिटल मार्केट के लिए एक्सेस है, वो कहाँ से उनको फंड्स लेना है वगैरह। फाइनेंशियल मार्केट वाइड स्प्रेड है, बहुत सारी जगह है, आप प्रॉपरली कहीं से भी फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आपकी खुद की सेविंग्स है, आप बैंक से ले सकते हैं, अगर आप करंट अकाउंट है तो आप उस पर ओडी ले सकते हैं, तो आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। द फर्म कैन चूज वेदर इट वॉन्ट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। फर्म को ये चूज करना है, फर्म तो खुद तो चूज नहीं करेगी, तो फर्म में जो ऑफिसर्स है जो सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं उनको ये चीज चूज करना है कि आपको डेट कैपिटल लेना है या इक्विटी कैपिटल। अभी ये इक्विटी कैपिटल एक टाइप कर्जा नहीं होता है, ये कंपनी का खुद का कैपिटल होता है जो लोगों से लेते हैं, और डेट कैपिटल इज कर्जा जो हम लोग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो ये डिसाइड करना है कंपनी को कि खुद का ही पैसा लेंगे या कहीं से कर्जा लेंगे। ये दोनों डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में ये दोनों चीजें पैसे उनको डिसाइड करना है। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज, दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझेगा कि सिर्फ लोन पे पैसा लेना या सिर्फ सिर्फ इक्विटी पैसा लेना है, लोगों से पैसे लेना, दोनों ही सिर्फ एक सिंगल चीज पे कभी भी बैलेंस नहीं होता है हमारा बिजनेस। तो दोनों का इक्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ऐसा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और कम से कम आपका रिटर्न जाए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू रेज, वेदर इट इज इक्विटी और इट इज डेट कैपिटल। तो ये एक डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन लेने में फाइनेंशियल ऑफिसर को हेल्प कौन करने वाला है, कंपनी सेक्रेटरी, जो हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ के बनने वाले हैं, राइट? तो ये एक डिसीजन हो गया। अभी भाई चलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अभी सब दिमाग लगा के सब कुछ करके एनालिसिस करके डिसाइड तो कर लिया कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे लेने। अरे यार, पर वो पैसों को लेके हाउ यू विल इन्वेस्ट, उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पैसे लेके खर्च देंगे तो क्या फायदा, रिटर्न्स तो आपको देने ही है, जो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वाले जो लोग हैं उनको भी देने हैं और आपको बैंक्स को भी देने हैं जहां से लोन लिया है, तो रिटर्न्स कैसे देंगे वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली प्रॉपर जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर जगह पर करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो आप वो फाइनेंसेस के रिटर्न्स प्रॉपरली देने लगे दे सकेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड डिसीजन जो हमको ध्यान में देना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of funds in systematic manner so that it will bring maximum returns to its owner. The funds should be invested in such a systematic manner that it will give you maximum returns. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than cost of capital. जितना हमको पैसे लेने के लिए पैसा, मतलब जितना पैसे raise करने के लिए cost लगा है, उतना return नहीं जाए, ठीक है?
finding investment and deploying them successfully in the business is known as investment decision. It is also known as capital budgeting. हाँ यार, capital budgeting तो है ही ना students. अभी इसके लिए ना एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के मैं ये वीडियो एंड करूंगी, इससे आपको ना एकदम समझ में आ जाएगा. आपकी मम्मी, हर एक की मम्मी है ठीक है, आपकी मम्मी सबकी मम्मियाँ घर में मैनेज करती है बिजनेस, घर मैनेज करती है राइट. अभी वो कैसे मैनेज करती है, उनको जो घर चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं उनको उनमें ही वो घर मैनेज करना है. उसमें से भी मुझे मतलब ना 100% यकीन है कि सबकी मम्मियाँ थोड़ा थोड़ा पैसे साइड में रखती होगी, खुद की सेविंग्स करती होगी ना. हाँ, सबकी मम्मियाँ करती है, मेरी भी करती है. तो ये है मतलब मम्मियों का दिमाग ना कॉर्पोरेट दिमाग होता है. वो उनका फाइनेंसिंग कहाँ से करेगी, प्रॉपरली फाइनेंसिंग है पापा आपके जो दे रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट्स वो ऐसे करेंगी ताकि उनको वो इन्वेस्टमेंट्स में मैक्सिमम रिटर्न्स हो, और वो रिटर्न्स इतने अच्छे होंगे ऐसे इन्वेस्ट करेगी, और थोड़े से दे विल कीप असाइड एज देयर सेविंग्स ऑल्सो. तो मदर्स आर द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स हु विल मेक डिसीजन इन हाउ, फ्रॉम वेयर टू फाइनेंस, फ्रॉम वेयर टू रेस फाइनेंस एंड हाउ टू इन्वेस्ट दैट फाइनेंस. तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे होंगे. तो होप एंड होप मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं. तो आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. तो सी यू टिल देन, बाय बाय.